हेलो जोहार, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप घर बैठे मोबाइल से JSSC PGT का जो संशोधन डेट जारी हुआ 29 से 1 तक, तो आप अपने मोबाइल से ही किस प्रकार उसको संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को लाइव वीडियो दिखाएंगे। तो सबसे पहले गूगल में जाएंगे और यहाँ JSSC PGT लिखते हैं, JSSC PGT रिक्वायरमेंट, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके जो यहाँ है jharupdate.com, इसमें क्लिक करना है। आ गया। उसके बाद नीचे में जाना है स्क्रॉल करके और जो यहाँ ऑनलाइन अर्जी है इसमें क्लिक करना है। उसके बाद उम्मीदवार लॉगिन प्रिंट आउट, इसमें क्लिक करना है। देखिए आ गया, काइंडली लैपटॉप PC फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको वीडियो भी बना दिए हैं और नहीं समझ में आएगा तो आप देखिए यहाँ कॉर्नर में जाना, 3 डॉट के बगल में, और यहाँ जो डेस्कटॉप साइट लिखा है इस पर बॉक्स को फिल करना। हो गया, देखिए आ गया। अब यहाँ शुरू में मांग रहा है आपका, जूम करके दिखाते हैं, पंजीकरण संख्या। तो इसमें आप पंजीकरण संख्या फिल करेंगे, आपका ईमेल में आया होगा। उसके नीचे में लिखा है जन्मतिथि डालना है। सबसे पहले आपको इस बीच सेलेक्ट करना, उसके बाद महीना, उसके बाद डेट करना। तो चलिए हम सेलेक्ट करते हैं, चलिए फिल कर लें। अब इसका कैप्चा कोड डालेंगे। फिल करने के बाद आपको लॉगिन में क्लिक करना है। देखिए मेरा खुल गया है। अब जो आपको एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं। तो हमको अंडर रेगुलेशन वाला चेंज करना है, तो वही वाला हम चेंज करेंगे। तो मेरा जो RU अंडर रेगुलेशन 2007/2014 है वही वाला चेंज करना है, तो हम इसमें नो कर दिए थे, तो इसके लिए हम यस करेंगे, वो 2014 डालेंगे। तो सबसे पहले आपको नो में क्लिक करना है यहाँ, उसके बाद यस करना है, उसके बाद जो सेलेक्ट लिखा है ऊपर जाना है और 2014 करना है। बस इतना ही मेरा करना था। अब नीचे जाएंगे और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। बाद बाकी हमको कुछ और चेंज नहीं करना है। इसमें चेकलिस्ट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ तुमको दिया है, आई एम अवेयर दैट द एडिट और द एप्लीकेशन इज अलाउड ओनली वन एंड आई कैन नॉट एडिट लेटर, बोल रहा है। यदि आपका फाइनली एप्लीकेशन सही है, एडिट हो गया, तो आप ऊपर वाले में क्लिक करेंगे और नीचे वाला जो टिक है वो बोल रहा है, आई एम अवेयर दैट इफ आई डिड नॉट कम्प्लीट माई एप्लीकेशन एडिट प्रोसेस देन माई एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एंड इनकम्प्लीटेड। मतलब बोल रहा है कि यदि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है और आप एडिट करना चाहेंगे तो आपको नीचे वाला में क्लिक करना है। तो हम नीचे वाला में ही, मान लीजिएगा और कुछ गलती सुधारना रहेगा, इसलिए हम नीचे वाला ही मारते हैं और यहाँ कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद सबमिट में क्लिक कर देना। तो चलिए मेरा हो गया। अब मान लीजिए कि मेरा कुछ और सुधारना रहेगा तो फिर से लॉगिन करके सुधार सकते हैं। अभी 1 तारीख तक है डेट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कोई दिक्कत भी है तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।